अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास ना टाइप नंबर 1 दी है, हमारे पास ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। कि यहां हमारे पास टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन इस तरह होंगे कि हमारे पास एक्स की पावर अगर 4 है ना, तो आगे जो नेक्स्ट इसकी हमारे पास एक्स की पावर होगी वो हाफ होगी, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट होगा, उसके बाद हमारे पास कह सकते हैं कि राइट साइड पे आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास टाइप नंबर 1 है, ठीक है। अब इससे हम रिलेटेड वाले क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब पहला हमारा क्वेश्चन दिया है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इस तरह की टाइप आ जाए तो इसको आपने पहले ना, यानी यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपने, कोई प्रॉपर कह सकते हैं के सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। फिर आपने कोई वैल्यू लेट करके उसको आपने पुट करना है ताकि आगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अब यहाँ दिया है 2x की 4 है माइनस 11x के प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ देखना है आपने लेट किसे करना है, आपने उस पावर को जो हमारे पास पावर कह सकते हैं x की छोटी पावर होगी। जैसे यहाँ x की पावर 4 है ना, तो 4 नंबर बड़ा है। अब x की पावर 2 है, ये हमारे पास कह सकते हैं पावर छोटी है, इसको लेट करना है आपने कि लेट x की पावर 2 इज इक्वल टू y है। अगर तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है तो पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि पहले हमारे पास x की पावर 4 है, फिर x की 2 है, फिर कांस्टेंट है, या और राइट साइड पे 0 है, या इस तरह है कि पहले हमारे पास x की पावर बड़ी है, फिर उससे छोटी पावर है, फिर कांस्टेंट है और आगे आपका 0 है, उसको फिर इक्वेशन 1 का नाम देना है आपने। अब यहां लेट किया कि x की 2 इज इक्वल टू y है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब यहां इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां पे x की पावर 2 है वहां पे आपने y पुट करना है, ठीक है। अब यह x की 4 भी तो है ना, अब यहां x की 4 वहां क्या पुट करना है, उसके लिए आपने ना स्क्वेयरिंग करनी है बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 2 की स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो x आएगा x की पावर 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब पावर को पावर्स करेंगे मल्टीपल है, x की 4 आ जाएगा 2 2 4 y की 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 का और 3 का यूज करना है 1 में, ठीक है। कि जहां पे x की पावर 2 होगी वहां पे आपने y पुट करना है, और जहां पे x की पावर 4 होगा वहां आपने y का स्क्वायर पुट करना है। तो लिखना है इक्वेशन 1 बिकम्स ये 2 जहां पे x की 4 वहां पुट करेंगे y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस 11, जहां पे आपका इक्वेशन 1 के अंदर x स्क्वायर है वहां आपने y लिखना है, तो आएगा 11y + 5 = 0। अब आगे इनके आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा प्लस 10y का स्क्वायर और दरमियान में है माइनस 11y। अब आपने टू टर्म ऐसी फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 10y का स्क्वायर आए, प्लस करें या माइनस तो माइनस 11y आए, तो ये हो गए माइनस 10y और माइनस 11y, दोनों को प्लस करेंगे। अगर हमारे पास टू टर्म्स आपकी नेगेटिव हो तो इनको प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11 आ जाएगा y। अब करें इनको मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 माइनस 10 y टू y y का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने फर्स्ट और लास्ट वैसे की वैसे लिखनी है, और दरमियान में आपने एक टर्म की बजाय आपने दो लिखनी है जो हम फैक्टर बना चुके हैं, माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल 0। अब फर्स्ट टू में कॉमन क्या होगा, यहाँ भी आपका y है यहाँ भी y है, तो y कॉमन आ गया। देखना है आपने कि 2 को और 10 को हम किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 है आपका, ठीक है। 2y कॉमन आ गया, उसके बाद 2 पहले ही कॉमन है, y की 2 है, y की मान बाहर है, y की मान आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर आपका माइनस। अब आपका y तो पहली बार है, अब 10 को भी डिवाइड करना है 2 से, 2 5 = 10। अब यहां से कॉमन हमारे पास होगा, यहां आपका y है वहां आपका y नहीं, यहां आपका 5 है यहां आपका 5 नहीं, फिर आपने कॉमन 1 लेना है, माइनस 1 आ गया, ब्रैकेट लगानी है आपने, y आ गया बाहर जो नेगेटिव है, अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, अब ये प्लस है माइनस हो जाएगा 0। अब ये और ये आपके सेम आ गए, ये कॉमन लेना है आपने, बाकी साथ आएगा 2y - 1 = 0। यहां से आपने y की वैल्यू निकालनी है, y - 5 = 0, 2y - 1 = 0, यहां आएगा y - 5 = 0, यहां पर माइनस 5 वहां एक प्लस हो जाएगा, 2y यहां पर माइनस 1 हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर 2y 2 आपको मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड होगा, तो ये आपका आंसर आएगा कि y = 5 और y = 1/2। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन जो दिया है वो आपका x वेरिएबल में है, फिर आपने इनको x में चेंज करना है, ठीक है। तो फिर आपने जो है y की वैल्यू इसको पुट करना है y बारी आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जिसको ऐड किया आपने, पुट y = 5 इन इक्वेशन नंबर 2, x की पावर 2 = आपका जहां पे y वहां पे 5 लिख देंगे।
अब आप नेक्स्ट फाइंड करना है पावर टू खत्म करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स की टू का स्क्वायर रूट यहाँ भी लेना है यहाँ भी लेना है, आप प्लस माइनस फाइव का पॉइंट टू डालेंगे। उसके बाद पुट वाई इज इक्वल टू वन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर टू, एक्स की टू इज इक्वल टू जहाँ पे इक्वेशन नंबर टू के अंदर वाई वहाँ पुट करना वन नंबर टू। अब यहाँ भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स की टू का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन नंबर टू का स्क्वायर रूट, अब वन का तो वन आएगा इसका पॉइंट में अगर ये वैसे वैसा आएगा फिर आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन नंबर टू का स्क्वेयर रूट लिखना है फिर आप यही आपका आंसर होगा। दस सॉल्यूशन सेट इज जो आपके x की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस फाइव का स्क्वेयर रूट और प्लस माइनस वन ओवर टू का स्क्वेयर रूट यही आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, फाइव एक्स की वन ओवर टू इज इक्वल टू सेवन एक्स की वन ओवर फोर माइनस टू। पहले इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ठीक है, कि यहाँ हमारे पास एक साइड पर जीरो होना चाहिए, यहाँ आपका प्लस है 7x और 4 यहां आपके माइनस हो जाएगी कुल सिर्फ आके, यहां आपका माइनस है कुल की तरफ आके आपको प्लस हो जाएगा जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आपने लेट उसे करना है जो पावर आपकी छोटी है, अगर 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5, और अगर हम 1 को 4 पे करेंगे तो वो जो आपका कह सकते हैं जो आंसर आएगा वो आपका इस आंसर से कम होगा ठीक है। तो फिर इसको लेट करना है आपने, ये पावर बढ़ी है ये पावर छोटी होगी। लेट x की 1 ओवर 4 इक्वल टू आपका y आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब स्केलिंग ऑन बोथ साइड, x की 1 ओवर 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो यहां 2 1 का 2 2 का कटिंग हो जाएगा, x की 1 ओवर 2 इक्वल टू y 2 आ जाएगा ठीक है। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब लिखना है इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स कि आपने इक्वेशन नंबर 2 का और 3 का यूज करना है 1 के लिए, कि जहां पे x की 1 ओवर 2 होगा वहां आपने y 2 पुट करना है, जहां पे x की 1 नंबर 4 है वहां पे y पुट करना है आपने। यहां आएगा 5y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां भी फैक्टर बनाएंगे, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई का 10y का स्क्वायर और दरमियान में है माइनस 7y, फिर दो टर्म तो आपने ऐसी मालूम करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका प्लस 10y का स्क्वायर आए, प्लस करें या माइनस माइनस 7y आए, तो ये होंगे माइनस 5 और माइनस 2y। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास आएगा 5y, ब्रैकेट लगानी है आपने, y की 2 है 5 पहले ही बाहर है, y बाहर है y के बाहर 1 आ जाएगा माइनस, ये कंप्लीट हम बाहर आ गए वहां पर आपको 1 आ जाएगा माइनस, इनमें 2 कॉमन है। उसके बाद y बाहर चूंकि साइन आपका नेगेटिव का है, अंदर साइन आपका चेंज लेकिन नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 2 1 का 2 0 हो जाएगा, ये और ये सेम है उनको कॉमन लेना है आपके, बाकी 5 माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है, y माइनस 1 इक्वल 0, 5 माइनस y 2 इक्वल 0, तो y इक्वल 1 है, यहां आपका 5y यहां उधर प्लस हो जाएगा, यहां 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, फिर आपने पुट करना है y इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 2, कि जहां पे आपका y वहां पे 1 पुट करें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो x की 1 और 4 इक्वल टू आपका 1 आएगा। अब यहां से पावर आपने खत्म करनी है 1 और 4, तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, x की 1 ओवर 4, 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4, अब 4 4 कैंसिल x आ जाएगा, अब 1 को आपने 4 टाइम करना मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो आपका 1 ही आएगा। उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 2 और 5 इन इक्वेशन नंबर 2, x की 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 2 और 5 आएगा। अब यहां भी आपने खत्म करना है 4 को, तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, x की 1 ओवर 4 की 4 इज इक्वल टू 2 और 5 की 4, 4 4 कैंसिल, अब 2 को आपने 4 टाइम करना मल्टीप्लाई, तो आएगा 16, 5 को 4 टाइम करेंगे तो आएगा 625। तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि इसका फिर आंसर आ जाता है सॉल्यूशन सेट इज 1 एंड 16 ओवर 625। अब ये हमारे पास टाइप नंबर 1 थी, इस क्वेश्चन नंबर आपने 3 तक करने हैं जी। ओके अल्लाह हाफिज़।